आज मंगलवार 25 जून को अंगारिका चतुर्थी के अवसर पर जहीराबाद के समीप स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की थी। 24 जून की रात को भक्तों की पदयात्रा की कतारें शुरू हुई और आज मंगलवार को भी श्रद्धालुओं की यह पदयात्रा जारी रही और देर रात तक जारी रहेगी। इस अंगारिका चतुर्थी के शुभ अवसर पर श्री सिद्धिविनायक मंदिर को फूल और रंग बिरंगे लाइटों से भव्य तरीके से सजाया गया। ये श्री सिद्धिविनायक मंदिर बॉर्डर पर स्थित होने से इसी कारण यहाँ पर कर्नाटका के अलावा तेलंगाना महाराष्ट्र से कई भक्तों की कतारें यहाँ पर आ रही हैं। इस अवसर पर मंदिर के ट्रस्ट की ओर से सभी लोगों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। अंगारिका चतुर्थी के अवसर पर बप्पा को दुर्वा और फूल चढ़ाने की विशेषता है। साथ ही प्रसाद में मोदक और लड्डू चढ़ाए जाते हैं। श्री सिद्धिविनायक मंदिर के ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्यों के अलावा भक्तों ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज की एंकर अश्विनी रेड्डी और पूजा की रिपोर्ट। गणेश के मंदिर पहुंचे हैं जो तेलंगाना में है। आप देख सकते हैं कि काफी सारी तैयारियां भी हुई है और सजावटें भी आप साफ तरह से देख सकते हैं, फूलों से सजावट किया गया है और स्पेशल अंगारिका का मंगलवार का जो है स्पेशल माना जाता है। देखा जा सकता है कि लोग रात 12 बजे से चल के आते हैं यहाँ पर, जहाँ तक कि हमने देखा है कि आंध्रा से, कर्नाटक से और काफी दूर दूर से आते हैं। क्या है स्पेशल यहाँ से भक्त लोग उनका से श्री सिद्धि विनायक देवस्थान प्रेजेंटर अध्यक्ष हूँ श्रीनिवास रेड्डी सर। यहाँ जो है ना भक्त लोगों को जो भी मन्नत ये तरह से उनको हर इससे और अब मंगल के दिन जो शंकर चतुर्थी क्या था उस दिन पूरा लोग चलते हैं। मंगल के खास तौर पे मतलब साल में एक बार जो मंगल अंगारिका का जो आता है उसी दिन चल के आते हैं। तो बाकी चतुर्थियाँ साधारण तरीके से मनाई जाती है। टाइम भी चलता है लोग कम देते हैं। मंगल के दिन स्पेशल है, खास तौर पर मंगल के स्पेशल स्पेशल है, स्पेशल दर्शन करते हैं। काफी दूर दूर से यहाँ पर लोग आए, बीदर से, कर्नाटक से, आंध्रा से, महाराष्ट्र से दूर आते हैं। यहाँ की क्या मान्यता है? मान्यता है कि ये स्वयंभू है, 225 साल पहले उद्भव हो गए जो है और पावरफुल गलीचा है। ये साउथ फेस के है, साउथ फेस गलीचा और चंद्रम चंद्रम मंदिर हनुमान लगा देना था वो हिसाब से बहुत पावरफुल है। इसलिए यहाँ के लोग बहुत मानते हैं गणेश जी को, यहाँ का आके दर्शन करके उनका मन्नत पूरा कर लेते। हर साल हर संकष्ट को 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ मंदिर आते हैं और वो पानी का दर्शन करके उनका उनको फुलफिल कर दे। तो अपन जितना अपन महत्व है उतना एक अंगार के को अपन दर्शन कर लिए तो उतना महत्व अपने को पुण्य मिलता है ना। तो जितने भी साधारण चतुर्थी से बढ़कर ये मंगलवार वाला स्पेशल है। 21 शंकर चतुर्थी का ये एक चतुर्थी अंगार के चतुर्थी मतलब पूरे 31 चतुर्थी वाला ये मंगलवार का एक ही में सब पुण्य मिल जाता है। पूर्ण मिला चतुर्थी के दिन सबको यहाँ से हमारे ट्रस्ट की तरफ से सबको प्रसाद व 8 बजे से शाम को 6 बजे तक प्रसाद मिलेगा और सबको भी रात में 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रसाद अन्न प्रसाद मिलेगा। कोई भी यहाँ से खाली नहीं जाते, सब जो खाना प्रसाद दे देगा भगवान का। भगवान का इतना कृपा है कि हम लोग सोचते हैं और उनका कृपा से एक भी छुट्टी नहीं रहता उनका वो पूरा करते हैं। बिगड़े हुए काम ही कोई भी अपन मन्नत मान ले कि अपन उनकी ये चाहिए उनको अपन भगवान को 11 मंदिर वाला चाहे 20 मंदिर वाला अपन आके दर्शन करके उनका मतलब कि फुलफिल होगा। मेरा नाम है नरसिंह अल्लाड़ी नरसिंह जनरल सेक्रेटरी। ये कंची कामकोटी पीठम का टेम्पल का मंदिर है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल पुष्य शुद्ध एकादशी से चौथी को यहाँ हवन होता है। वो हवन में 800 से 900 दंपति लोग बैठ के ये हवन करते हैं, शतचंडी शतचंडी याद भी करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है वो टाइम में, जयंती के टाइम में तो बहुत लोग इधर आके दर्शन करके सामने सिद्धिविनायक जैसे कि जाना जाता है कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है गणेश जी का, तो क्या मान्यता है यहाँ पर है? और अब बहुत पुराना मंदिर है,
पहले जिस हिसाब से आते जाते हैं तो उतना डेवलप नहीं थे, पहले बहुत जाते जैसे बॉम्बे बहुत बहुत दूर थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदल आते पैदल आते हैं ना, तो उसको किस वजह से उनको जो भगवान के जो प्रार्थना पर ऐसे रहते हैं तो उनकी कामयाबी भगवान से उनको सिद्धि मिलते हैं ना, क्योंकि उसके उन मिलने के बाद वो पैदल से आते हैं, उनका पूरा मनोकामना पूरा करते हैं। अच्छा, मन्नत के चलते पैदल आते हैं? पैदल आते हैं जी। कहाँ से आए हो आप? अच्छा, आज मंगलवार के चलते आओ या हर चतुर्थी को आते हो? अच्छा, वीडियो जर्नलिस्ट सत्यकांत के साथ मैं पूजा के 24/7।